अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सुल्तान अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित एक 2016 भारतीय खेल नाटक फिल्म है। यशराज फिल्म्स बैनर के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित यह फिल्म हरियाणा के एक काल्पनिक कुश्ती चैंपियन सुल्तान अली खान पर आधारित है, जिसका सफल करियर उसके निजी जीवन में एक दरार पैदा करता है। इस फिल्म का कुल बजट 145 करोड़ और रन टाइम 170 मिनट था। इस फिल्म की प्रति मिनट लागत लगभग 85 लाख थी। 9 हैप्पी न्यू ईयर। यह फिल्म फराह खान द्वारा निर्देशित एक 2014 भारतीय संगीत कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और गौरी खान द्वारा रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बिना के तहत निर्मित है। इसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विवन शाह और जैकी श्रॉफ शामिल हैं। इस फिल्म का कुल बजट 150 करोड़ और रन टाइम 180 मिनट था। इस फिल्म की प्रति मिनट लागत लगभग 83 लाख थी। 8 बैंग बैंग एक 2014 भारतीय एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म नाइट एंड डे का रीमेक है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म का कुल बजट 160 करोड़ और रन टाइम 156 मिनट था। इस फिल्म की प्रति मिनट लागत लगभग 1 करोड़ 2 लाख थी। 7 दिलवाले एक 2015 भारतीय रोमांटिक एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित है। प्रमुख भूमिकाओं में फिल्म स्टार शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन और कृति सानोन और सहायक भूमिकाओं में जॉनी लीवर और वरुण शर्मा शामिल हैं। इस फिल्म का कुल बजट 165 करोड़ और रन टाइम 155 मिनट था। इस फिल्म की प्रति मिनट लागत लगभग 1 करोड़ 6 लाख थी। 6 धूम 3 एक 2013 भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह विजय कृष्णाचार्य द्वारा लिखित और निर्देशित है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। यह धूम स्टोरी का तीसरा हिस्सा है। इस फिल्म का कुल बजट 175 करोड़ और रन टाइम 172 मिनट था। इस फिल्म की प्रति मिनट लागत लगभग 1 करोड़ 1 लाख थी। 5 प्रेम रतन धन पायो एक 2015 भारतीय रोमांटिक फिल्म है जिसे राजश्री प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित और सूरज बारजातिया द्वारा निर्देशित किया गया है। सलमान खान और सोनम कपूर फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म का कुल बजट 180 करोड़ और रन टाइम 164 मिनट था। इस फिल्म की प्रति मिनट लागत लगभग 1 करोड़ 9 लाख थी। 4 पद्मावत संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित एक 2018 भारतीय महाकाव्य नाटक फिल्म है। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती के रूप में, शाहिद कपूर ने महाराज रतन सिंह के रूप में और रणवीर सिंह ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के रूप में अभिनय किया है। इस फिल्म का कुल बजट 190 करोड़ और रन टाइम 163 मिनट था। इस फिल्म की प्रति मिनट लागत लगभग 1 करोड़ 16 लाख थी। 3 थग्स ऑफ हिंदुस्तान एक आगामी भारतीय हिंदी महाकाव्य एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो कि विजय कृष्णाचार्य द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, आमिर खान, कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख भी शामिल हैं। यह फिल्म 7 नवंबर 2018 को दिवाली के दौरान रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का कुल बजट 210 करोड़ है। 2 बाहुबली 2 एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित एक भारतीय द्विभाषी काल्पनिक एक्शन फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह सिर्फ 10 दिनों में 10 अरब रुपए से अधिक कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। इस फिल्म का कुल बजट 250 करोड़ और रन टाइम 197 मिनट था। इस फिल्म की प्रति मिनट लागत लगभग 1 करोड़ 26 लाख थी। 1 2.0
2.0 एस शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित एक आगामी भारतीय विज्ञान कथा फिल्म है। यह पहली भारतीय फिल्म है जिसे सीधे 3D में शूट किया गया है। यह फिल्म 2010 की फिल्म रोबोट की अगली कड़ी है। इस फिल्म का अनुमानित बजट 450 करोड़ है और यह आज तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म है। यह फिल्म 15 भाषाओं में अप्रैल 2018 में रिलीज होने वाली है।